ठीक है, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे कैन बी द एबायोटिक फैक्टर और दे कैन बी द बायोटिक फैक्टर। अब एबायोटिक फैक्टर है तो उसमें सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक के तौर पे सबसे पहला कंपोनेंट है रेन। रेन इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर का पहला कंपोनेंट, जहां पे बारिश इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा है टेम्परेचर, दैट इज अ टेम्परेचर अनदर एबायोटिक फैक्टर। लाइट इज अनदर एबायोटिक क्लाइमेटिक फैक्टर। एंड द विंड, जो विंड है वो भी क्लाइमेटिक फैक्टर के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि एबायोटिक फैक्टर होता है इकोसिस्टम। अगर एबायोटिक फैक्टर के दूसरे तौर पे हम डिस्क्राइब करें तो वो है इडेफिक फैक्टर। इडेफिक मतलब कहीं ना कहीं सॉयल से रिलेटेड है। तो सॉयल का पीएच इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। सॉयल और पीएच जो है वो इडेफिक फैक्टर का काम है। सॉयल में जो मिनरल्स है वो भी इडेफिक फैक्टर्स के अंतर्गत या इंक्लूड किया जाता है। साथ में जो टोपोग्राफी ऑफ सॉइल होता है, लेवल ऑफ सॉइल, ए बी सी, कई सारे हॉरिजॉन्स होते हैं, ओ ए, उसके बाद बी, फिर सी, ऐसे हॉरिजॉन्स होते हैं। तो वो सारे हॉरिजॉन्स को अगर हम मेंशन करें कि किस लेयर में कितना कितना विड्थ है, तो वो आपके एबायोटिक फैक्टर्स के इडेफिक फैक्टर्स में जो है इंक्लूड किया जाता है। ये कॉम्पोनेंट्स जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये सारे कॉम्पोनेंट्स एबायोटिक फैक्टर्स के तौर पर इंक्लूड किया जाता है। अब दूसरा जो कॉम्पोनेंट मेंशन किया जाता है वो है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जब पहला कंपोनेंट को अगर स्टडी किया जाए तो वो है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का काम होता है लाइट एनर्जी को यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बेसिक तौर पे जो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं उसको एटीपी या ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये काम करने के लिए जो पर्टिकुलरली कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स के तौर पर मेंशन करते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटो का मतलब खुद और ट्रॉप्स का मतलब अपना खाना बनाने वाले। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स के तौर पे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और माइक्रो एल्गी जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो है ऑटोट्रॉप्स बेसिक तौर पे किसी भी बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। मतलब ये जनरली तौर पे प्रोड्यूसर्स बायोमास या एनपीपी बनाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि सेकेंड कंपोनेंट जो है वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के तौर पे जब हम मेंशन करते हैं तो कंज्यूमर्स में क्या होता है कि कंज्यूम करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी या जो बायोमास मटेरियल है, जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया उसको कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। इसको हम अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई करते हैं। कंज्यूमर्स बेसिक तौर पे हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरो का मतलब जो है डिफरेंट और ट्रॉप का मतलब फूड सोर्स। मतलब इनका फूड सोर्स जो है ये इसके लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, खुद नहीं बना पाते। इनको हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड द क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। देयर इज लाइक फोर लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। कंज्यूमर्स के बाद जो है देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ बायोफैक्टर्स, जिसको हम इंक्लूड करते हैं डीकंपोजर्स के तौर पर। जब भी कोई प्रोड्यूसर्स की डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है, या कोई कंज्यूमर्स की डेड हो जाती है, जो भी डेड बॉडीज होते हैं प्रोड्यूसर्स के हो या कंज्यूमर्स के, उसको वापस से सॉयल में डीकंपोज करने के लिए जो है डीकंपोजर्स होते हैं। डीकंपोजर्स जो होते हैं बेसिक तौर पे सेप्रोट्रॉफ्स के तौर पे जो है कंसिडर किए जाते हैं। सेप्रो का मतलब होता है डेड मटेरियल। ऐसे जो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स जो डेड मटेरियल पे जो है फीड करें, डेड मटेरियल को खाएं, हम उनको सेप्रोट्रॉफ्स के तौर पर कंसिडर कर सकते। सेप्रोट्रॉफ्स में एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है वो इंक्लूड होते हैं। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर है तो क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर और एडेफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर है तो रेन, टेम्परेचर, लाइट और विंड। एडेफिक फैक्टर है तो सॉयल, पीएच, मिनरल्स एंड टोपोग्राफिक। बायोटिक फैक्टर्स के तौर पर प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स या डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स के तौर पर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स के तौर पर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और माइक्रोएल्गी। कंज्यूमर से तो वो हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स के तौर पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड डीकंपोजर्स जो डेड मटेरियल पे फीड कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम।